नमस्ते। ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, जो गांव से तबकों से आते हैं और जयपुर में अपने कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, अपने ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहीं रहते हैं, जयपुर में ही रहते हैं और अपना मेहनत करते रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। दो चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती। काउंसलिंग से मेरा ये मतलब है कि शुरुआत में वो सबसे बड़ी परीक्षा पकड़ते हैं। रूममेट्स कोई दे रहा है परीक्षा, आईएएस की परीक्षा दे रहा है कोई, एक्सवाईजी वो आई फलाना परीक्षा, बड़ी परीक्षा दे रहा है, एप्टीट्यूड जिसमें ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करते हैं उसमें उस परीक्षा की तैयारी करने लग जाते हैं, एक अटैम्प्ट भी देते हैं। साथ के साथ वो क्या करते हैं, एक दो परीक्षाएँ और इंस्पेक्टर की दे दी, कभी किसी की दे दी, कभी एसएससी की तैयारी करने लग गए, तो 10,000-20,000 एसएससी में दे आए फीस और 1,25,000 रुपए की आईएएस में फ़ीस दे आए और एक्सवाईजी होते होते मतलब ऐसे 5-6 इंस्टीट्यूट्स में वो अपनी फ़ीस दे देते हैं और लगे रहते हैं, 2-5 साल तक लगे रहते हैं और नतीजा ज़ीरो। अब पूरी स्थिति को दोबारा से समझते हैं। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग के बगैर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि आप कैसे बने हैं, कि आप क्या चीज़ों को साध सकते हैं, कि आपकी क्षमता क्या है, मानसिक क्षमता क्या है। तो उसके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो आप करवाइए पहला। दूसरा, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए आप इन इन चीज़ों की परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप सफल होंगे या सफल होने की ज़्यादा संभावना है आपको, बजाय इसके कि आप ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करें जिसका एप्टीट्यूड आप में है ही नहीं। कोचिंग सेंटर्स का कुछ नहीं जाता, वो आपसे फीस ले लेंगे 1,00,000-1,50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये और वो आपको बिठा देंगे। चलो किस्तों में ही लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही, पूरी फीस लेंगे और 6 महीने साल भर तक की आपको कोचिंग देते हैं और आप फेल पे फेल होते जाते हो, आप कंपटीशन में फेल पे फेल होते हो, तो 4 से 5 साल आपको निकल जाते हैं। फिर कभी आप राजनीति की तरफ झुकाव आ जाता है, छात्र राजनीति की तरफ, कभी कोच कभी कोच, ये और फिल्म्स आती हैं, फैशन चल रहा है शहरों में, कब दोस्तों के साथ कोई किधर पार्टी में जा रहे हैं, कोई किधर जा रहे हैं, ये और अलग से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो पढ़ाई का माहौल भी नहीं मिल पाता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि मेरा मेंटल मेकअप कैसा है, उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को किए बगैर आप ये जान ही नहीं सकते कि मेरा एप्टीट्यूड लेवल क्या है, एटीट्यूड लेवल क्या है और मेरा ईक्यू क्या है, आईक्यू ईक्यू क्या है। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट और आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। इनके बेसिस पे और परीक्षाएँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो लो है, आपको पता नहीं, आपने कोई टेस्ट कराया नहीं, आपने सीधा कैट की परीक्षा अटेम्प्ट कर रहे हैं साल भर से, 2 साल से 3 साल से, फिर कैट छोड़ते जो, फिर आपने एसएससी पकड़ लिया अभी और या एक्सवाईजी कुछ इस तरह की परीक्षाएं पकड़ ली जिसमें हाई एप्टीट्यूड के लड़के लड़कियां ही निकल सकते हैं और आप जूझ रहे हैं, बस आप जूझ रहे हैं, आपके माँ बाप भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं कि भाई आपको सफलता हासिल नहीं हो, कैसे हासिल होगी, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग की क्षमता है ही नहीं। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये है, फिर आप थक हार के ऐसी परीक्षाओं में घुसने लगते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर रीड दे ले भाई, ये कर ले भाई, ये कर ले, ये कर ले, इससे और हो सकता है आप उनमें सफल भी हो जाएं। तो ये जो छोटी परीक्षाएं हैं, जो ये नौकरियां जो 2,000-5,000 की संख्या में निकाली जाती हैं, इनका कुल उद्देश्य ये होता है कि वोट की राजनीति है, भाई इस सरकार ने तो भर्ती निकाली थी, इस सरकार ने ये कराया था, इस सरकार ने ये रहता है फिर उनके मन में, तो वो वोट बड़ी आसानी से सरकार को, ऐसी सरकार को जो निकम्मी सरकार है उसको वोट मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ छात्रों का शोषण। इस शोषण में राज्य भी लगा हुआ है,
इस शोषण में कोचिंग सेंटर्स भी लगे हुए, और छात्र बड़े बड़े सपने बुनता है, 2-5 साल में पता लगता है कि सारे सपने और उसके 2-5 लाख रुपए भी, क्योंकि जयपुर में रहना सस्ता नहीं है। आप यहाँ 1 साल में कम से कम 1.25 लाख रुपए खर्च करोगे, 10-15 हज़ार रुपये महीना खर्च करोगे, तब जाके आप रह भी पाते हो, 2 टाइम के खाना भी खा पाते हो, ये सब। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचोगे? और फिर आप थक हार के एक समय ऐसा आता है, फिर आप क्या करते हो, पढ़ लिख तो जाते ही हो, पीजी भी हो जाता है आपका, फिर आप छोटा मोटा कंप्यूटर्स करना कहीं सीखते हो, छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, और छोटा मोटा कोई जहाँ पर, वही गलती फिर कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो जहाँ 70-80 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं, वो रेवड़ जैसे भेड़ बकरियों के रेवड़ होता है, फ्री डेमो क्लासेस होती हैं वहाँ पे, ऐसी जगह जाके आप इंग्लिश की कोचिंग लेना शुरू कर देते हो। अब वो 70-80 क्लास के जो बैच होता है उसके अंदर आपका तो मौका कभी आपको आता ही नहीं, आपको मौका कभी नहीं पड़ता, ना तो आपको सवाल पूछने का मौका मिलता है। और मैंने ऐसी क्लासेस में ऐसे स्टूडेंट बन के बैठ के देखा है, क्योंकि फ्री डेमो होते हैं तो कभी भी आप जाके बैठ सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। और मेरा ये अनुभव रहा है कि वहाँ बैठ के उस माहौल में, जहाँ पर एक मेले जैसा माहौल होता है, लोग आपकी कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो उनमें जो थोड़े से जिनका आईक्यू अच्छा है, जिनकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत लैंग्वेज पे पकड़ है, ग्रामर पे पकड़ है, वो बच्चे पोडियम पे आके थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लेते हैं इंग्लिश में, टूटी फूटी सही कैसे। ये स्थिति है। अब इसमें क्या होता है, लाइफ टाइम मेम्बरशिप दे दी जाती है आपको। पहला, लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं आता। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब समझते हैं आप? लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब ये है कि आप कभी, हम आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। बहुत सिंपल फंडा है। अंग्रेजी आप ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनिए जो आपको ये कहे कि देखिए हम आपको इतनी इंग्लिश सिखा पाएंगे, इंग्लिश में तो 2.5 लाख वर्ड है, सीख लीजिए। क्या आप लाइफ टाइम में भी नहीं सीख पाएंगे? आप जिन विद्वानों ने अंग्रेजी, ये जो डेनियल जोन्स जो HOT ऐसे करें, इसका पूरा एक साइंस डेवलप किया गया, डेनियल जोन्स ने वो काम किया था। तो यहाँ आप समझ में आ रहा है आपको कि अंग्रेजी इतनी अथाह है कि 180 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, और आप ही नहीं सीखना चाहते, रशियन भी सीखना चाहता है इसको, जापानीज भी सीखना चाहता है इसको, हर देश का, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप मैगजीन देखते हैं, आप TV देखते हैं, आप ये देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अभी जो सरकार चल रही है वो हिंदी को प्रेरित कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि, क्योंकि हिंदी बेहतर है अंग्रेजी से, अगर कंपेयर करो तो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या कंपनीज़ में आप, जब आप जाना चाहेंगे कंपनीज़ के लिए, आप नौकरी की तैयारी करते हैं, या आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट की, या IAS की परीक्षा की भी अभी जैसे बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर अभी जाके रिलैक्सेशन दिया गया है कि उसमें हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं और हिंदी में आप परीक्षा भी दे सकते हैं, तो ये रिलैक्सेशन है। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि उसे आना चाहिए, वरना क्या होगा कि आप जूझते रह जाएंगे। आप एक ऐसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो कि यथार्थ में जो आपको है नहीं। अब हिंदी, या तो आप ऐसा कीजिए कि सारा करिकुलम है हिंदी में प्रोवाइड करवाइए स्टूडेंट्स को, साइंस भी हिंदी में प्रोवाइड कराइए, ज्योग्राफी भी हिंदी में, और ऐसे आप कर नहीं पा रहे हैं और बच्चे बेचारे जूझते रहते हैं, जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं वो ट्रांसलेशन ही बेचारे करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, उनका 2-5 साल इसी में निकल जाते हैं, किसी तरह से वो पास भी हो जाते हैं। ये स्थिति, ऐसी स्थिति कब होती है? और अगर हमारी स्कूलिंग प्रॉपर हो जाए तो हम बेस से ठीक नहीं कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो आप जो, मैं ये जो वीडियो बनाया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिनका कि सिस्टम, जो शुरुआत से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनको कभी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो उनकी नीम कच्ची रह गई। थोड़ी बहुत उनको ग्रामर ज़रूर आती है, लेते हैं पैराग्राफ भी बना लेते हैं, ऐसे भी बना लिया, किसी तरह बोल नहीं पाते हैं। तो बोलने की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए मैं आपको इंग्लिश फोनेटिक्स की ट्रेनिंग देता हूँ हमारे यहाँ, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तो अभी मैंने बात करी, अब मैं यहाँ की बात करता हूँ। एक
दो तीन महीने का मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया, खुद ने डिज़ाइन किया है। इसमें क्या करते हैं हम 10,000 शब्दों को उसका उच्चारण दिए हुए हैं उनको ठीक से करवाते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, उन 3,000 शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी में 44 साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट्स कितने, 26। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है ये, नॉन फोनेटिक जैसी लिखी जाती है वैसी बोली नहीं जाती। हिंदी ऐसी नहीं है, हिंदी जैसी लिखी जाती बड़ी ईमानदार लैंग्वेज है वैसी बोली जाती है। पहली चीज़ तो साउंड सिखाते हैं वो 44 साउंड्स, जो कि अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है तो उसको एग्जैक्टली बताया जा सकता है कि वो नागौर से है, जोधपुर से है, अलवर से है, शेखावाटी से है, कहाँ से, क्योंकि वहाँ का रीजनल एक्सेंट उसमें आता है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को एक्सेंट रिमूवल भी मैं करता हूँ, वो क्योंकि आपको सही साउंड सिखा दूंगा तो वो एक्सेंट रिमूवल अपने आप हो जाएगा। मेहनत आप करोगे, गाइडेंस मेरी रहेगी। ये नहीं कि बाकी जगहों पे क्या कहता है कि हम आपको ये कर देंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई दावा नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि सारी मेहनत आप करोगे, 99% मेहनत आपकी होगी, 1% जो है गाइडेंस वो मेरी तरफ से होगी। ये 1% गाइडेंस इतनी वैल्यूबल है और आपको सही उच्चारण करा देगी, आपको सही से लिखना सिखा देगी और आप कीजिए बोलने का। और जैसे ही आपके साउंड्स ठीक हो जाएं, पहले महीने हम साउंड्स ठीक करेंगे, आपके वर्ड्स को ठीक करेंगे, दूसरे महीने तक वर्ड्स चलते हैं। जैसे ही आपके 3,000 वर्ड्स ठीक हो जाएंगे, उनका उच्चारण ठीक हो जाएगा, उनका मीनिंग आपको आने लगेगा, उनको वाक्य में आप प्रयोग करने लगेंगे, उसके जस्ट बाद में जो तीसरा महीना है उसमें हम आपके वाक्यों को ठीक करेंगे। कितने वाक्य हैं, मैं आपको लगभग 500 वाक्य दूंगा, उन 500 वाक्यों को आपको ठीक से बोलना सिखाऊंगा। मेरी आवाज़ में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको स्पाइरल दूंगा, ये देखिए मैं आपको स्पाइरल दिखाता हूँ। ये वो 3,000 शब्द हैं, ये शब्द है, ये उसका उच्चारण है, उच्चारण को पढ़ने की विधि सिखाऊंगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसे फोनेम्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में ये इसलिए सीखना ज़रूरी है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो 3 या 4 शब्द ऐसे होते हैं लगातार, जो कि जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है और उनकी वजह से सारा गुड़ का गोबर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसक्रिप्शन भी सीखें ताकि आप अपाइज नहीं हो ज़िंदगी भर के लिए। आप क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को ऐसे उच्चारित करना है। तो जब तक आप ये नहीं सीख, हिंदी में नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अंग्रेजी में होता है, क्योंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग से हम ये नहीं पता कर सकते कि इसका उच्चारण ये होगा। आप ट्राई करके देखिए, अब जैसे यहां पर एक शब्द है SPIDER, अब आपको सिखाया गया स्पाइडर बोलना, इसलिए आप इसको स्पाइडर बोलते हो। और अगर मैं इसको सिर्फ स्पेलिंग के अकॉर्डिंग अगर इसको उच्चारण करूं तो इसका होगा SPIDER, ये ज़्यादा स्पीडर बोल दूंगा मैं, लेकिन नहीं, इसको स्पाइडर बोला जाता है, स्पिरिट। तो ये आपके शब्द हैं, ये उसका उच्चारण है। इस तरह से लगभग 3,000 शब्द इसमें हम कराते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप उनका वाक्य बनाइए, उनके मीनिंग लिखिए और ये सेक्शन उसके लिए, इसमें पूरी मैं आपको हेल्प करूँगा। एक बार दूसरे महीने तक ये हो जाता है, तीसरे महीने हम क्या करते हैं, ये मेरे हाथ के बनाए हुए मौजूद है, तीसरे महीने में हम वाक्यों को सीखते हैं। और वाक्य कितने तरह से अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, अब जरा देखिए। सबसे पहले है रिक्वेस्ट का भाव, तो रिक्वेस्ट को हम कितनी तरह से बोल सकते हैं, कि रिक्वेस्ट हम कितनी तरह से कर सकते हैं, खुद यू बोल के, खुद यू, मे आई, माइट आई, अब मे और माइट में क्या फर्क है ये भी आपको बताएंगे, वुड यू माइंड, ING form, will you, ठीक है, इससे भी आप रिक्वेस्ट का एक वाक्य बना सकते हैं। ऐसे कर, would you, I, if clause, will you be so kind, ये विक्टोरियन जमाने का वाक्य बनाया गया है, यहाँ पे लिया गया है, perhaps you would like to, शायद आपको अच्छा लगे। तो ये एक तरीके हैं बात करने के, ये एक तरीके हैं रिक्वेस्ट करने के, ठीक है। इन्फिनेटिव, वर्ब रिक्वेस्ट, विश का, आई विश, ठीक है।
और जस्ट मूव, कुड यू प्लीज मूव अ लिटिल बिट, आपको बस में जगह मांगनी है, रेल में मांगनी है, आप एयरपोर्ट पे गए हैं या क्लासरूम में ही आप बैठे हैं, कुड यू मूव अ लिटिल बिट, कुड यू प्लीज, ठीक है। तो ये खुद का हमने प्रयोग किया मस्ट, लेकिन मस्ट आप देखेंगे कि ऑर्डर में भी आता है मस्ट, उससे भी वाक्य शुरू होते हैं, लेकिन उसके ये पोलाइटली बोला जाएगा और वो थोड़ा सख्ती से बोला जाएगा। अब इनके सबके ये लगभग 15 हैं, तो रिक्वेस्ट को 15 तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो सबके 5-5, 10-10 हमने उदाहरण दे दिए, ताकि एक उदाहरण से समझ में नहीं बैठे, लयबद्धता नहीं बैठे तो दूसरे से आ जाए, ऐसे करते करते फिर आपको ये वाक्य बिल्कुल रट लेने हैं। और जब मेरे को ये बोलना है तो मुझे कैसे बोलना है, जरा देखिए, कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर। तो पहली तो बात, अगर मेरे शब्दों का उच्चारण अच्छा नहीं है तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, तो एक हिंदी भाषी इसको कैसे बोलेगा, जैसे शेखावाटी के से आता हूं मैं, वहां तो वहां का अगर कोई स्टूडेंट को मैं डील करता हूं तो कैसे बोलता है, कुड यू डू मी अ फेवर, वैसे बोलता है कुड यू डू मी अ फेवर। अब ये फेवर जो है ये फ, ये हिंदी का है, और अंग्रेजी का जो फ है वो ये है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ, फेवर, ये फर्क है। तो ये फर्क जब तक फोनेटिक्स नहीं सीखेंगे तब तक नहीं आएगा, और इस फर्क की वजह से आपकी अंग्रेजी बेहतर होने लगती है रोज रोज। तो ये 5-10 वाक्य मैंने कुछ से बनाने सीखे, फिर मैं इनको 10-10, 20-20 बार दोहराऊंगा, रिकॉर्डिंग मेरी चलती है इसमें, ठीक है, उसके साथ आपको दोहराया जाता है क्लासरूम में, ताकि आप फटाफट आपको फ्लो आ जाए, आपको सोचना नहीं पड़े, रिक्वेस्ट करनी है, कुड यू डू मी अ फेवर, फटाफट बोल दिया, ठीक है, कुड यू शिफ्ट अ लिटिल बिट, आप थोड़ा सा खिसकेंगे, कुड यू शिफ्ट अ लिटिल बिट, वुड यू माइंड आप कहाँ यूज करेंगे, देखिए वुड का प्रयोग भी है, वुड यू माइंड आप कहाँ यूज करेंगे, जहाँ आपको झिझकते हुए आप अनजान व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कहेंगे वुड यू माइंड, समझ लीजिए इस चीज़। तो इस तरह से हम इसका जो लास्ट का जो तीसरा महीना है उसमें हम इसको पूरी तैयार करते हैं, 500 वाक्य हैं ऐसे, रिक्वेस्ट का भाव है, देखिए फिर रिक्वेस्ट का भाव है, ऑर्डर कमांड का भाव है, प्रोहिबिशन का भाव है, इनविटेशन का भाव है, सजेशन का भाव है, प्रोमिसेस एंड थ्रेट्स का भाव है, रिफ्यूजल्स का भाव है, ये सब, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं, इससे बाहर इंग्लिश नहीं है, करीब 24-25 तरह के भावों में इंग्लिश अभिव्यक्त होती है, इससे बाहर नहीं। एक बार जैसे ही आप ये नींव आपकी भर जाती है, 3 महीने में आप तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपके शब्द ठीक हो गए, आपके साउंड्स ठीक हो गए इंग्लिश के, और आपको कुछ वाक्य रट गए, आपको आने लग गए, इसके बाद तलवार पे धार आ गई, उसके बाद कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश आती है उसका, ठीक है, जो ये स्टेप पूरा कर लेते हैं, फिर उनके लिए नेक्स्ट स्टेप है।